अब अगली दशा बनती है कि अगर विपत्र को संग्रह हेतु बैंक भेज दिया गया हो। हमने देखा कि कई बार विपत्र का जो लेखक होता है वो विपत्र पर धनराशि प्राप्त करने के लिए बैंक के पास उसे भेज देता है। ऐसी कंडीशन में वो बैंक में संग्रह के लिए कुछ जनरल एंट्रीज करता है और कुछ जनरल एंट्रीज जब संग्रहित हो जाता है विपत्र तब करता है। अब ऐसी दशा जबकि बैंक में वो विपत्र संग्रह हेतु भेज दिया गया था और फिर उसके बाद वो डिसऑनर्ड हो जाता है, तो फिर क्या किया जाए, कौन सी जनरल एंट्री पास की जाए? तो यहाँ पर हम लेखक की पुस्तक में जनरल एंट्री करते हैं, एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। एक्चुअली क्या होता है कि जब जो लेखक होता है वो बैंक को विपत्र भेजता है तो केवल बैंक में संग्रहार्थ विपत्र भेजा गया ये माना जाता है, तब तक उसको बैंक अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता जब तक कि बैंक प्रॉपर ये सूचना ना दे, ये नोटिस ना दे कि आपने संग्रह हेतु जो विपत्र भेजा था वो संग्रहित हो गया है। और जब बैंक इस प्रकार की सूचना दे देता है उसके बाद ही एक लेखक जो होता है वो अपने बैंक अकाउंट में फिर उसको डेबिट करता है। अब बात करें अगर विनिमय विपत्र की एक अन्य स्थिति की, तो कई बार विपत्रों का एकत्रीकरण या संग्रहण करवा लिया जाता है। इसके लिए जब भी विपत्रों का एकीकरण यानी कि एकत्रीकरण और संग्रहण कराया जाता है तो इस स्थिति में एक आहर्ता यानी कि लेखक जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं विपत्र का धारक जो होता है, एक्चुअली जिसके पास विपत्र रहता है वही विपत्र का धारक होता है। और अधिकतर ये देखा जाता है कि जो विपत्र का विक्रेता है या लेखक है उसी के पास विपत्र रहता है और वही विपत्र का धारक कहलाता है। तो विपत्र का धारक ये विपत्र जो होता है उसको संग्रह करने के लिए या एकीकरण करने के लिए बैंक भेज देता है उसको कलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद अगर विलेख का अनादरण हो जाए यानी कि ऐसे विलेख का अनादरण हो जाए जो कि एकत्रीकरण के लिए बैंक भेज दिया गया हो, किसके द्वारा? लेखक या आहर्ता या धारक के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि लेखक की पुस्तक में कौन सी प्रविष्टि होती है अगर ऐसा कोई विपत्र अनादरित हो जाता है तो। तो अगर ऐसा विपत्र अनादरित हो जाता है तो लेखक अपनी पुस्तकों में प्रविष्टि करता है, स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट विपत्र एकीकरण खाता से, एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट बिल ऑफ कलेक्शन अकाउंट टू बिल्स ऑफ कलेक्शन अकाउंट। और दूसरी कंडीशन, जबकि विपत्र के अनादरण होने पर आलोकन व्यय यानी कि नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़े। कई कंडीशन में नोटिंग चार्जेस पे करने होते हैं और कई कंडीशन में नोटिंग चार्जेस पे नहीं करने होते। तो एक कंडीशन जबकि नोटिंग चार्जेस पे करने नहीं होते तो हम फर्स्ट जो हमने एंट्री की वो नॉर्मल एंट्री हम करते हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन जब नोटिंग चार्जेस पेबल होते हैं पे हमको करने होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री करते हैं स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट विपत्र के एकत्रीकरण खाता से और साथ में बैंक खाता से, यानी एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स ऑफ कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हमको बहुत सावधानी से ये देखना है कि किस अकाउंट में कौन सी राशि की एंट्री हमको करनी है। तो यहाँ पर हम जो क्रेडिट साइड में बिल्स ऑफ कलेक्शन अकाउंट देख रहे हैं उसमें हम विपत्र की राशि यानी कि बिल की जो टोटल अमाउंट है उसको लिखते हैं, और फिर क्रेडिट में ही टू बैंक में हम आलोकन व्यय यानी कि नोटिंग चार्जेस की अमाउंट को लिखेंगे, और फिर दोनों का जो टोटल होता है उसको हम यहाँ स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता डेबिट साइड में या फिर एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो ये तो रही बात लेखक की दो कंडीशन में, जब वो विपत्र को एकत्रीकरण के लिए भेज देता है और उसके बाद विपत्र का अनादरण हो जाता है। अगर हम बात करें स्वीकर्ता की, तो इस अनादरण का स्वीकर्ता की पुस्तक में स्वीकर्ता के लेखों में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस कंडीशन में स्वीकर्ता के यहाँ कोई अलग से अनादरण की पंजी प्रविष्टि नहीं की जाएगी।
इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। सोहन ने मोहन को 8,000 रुपए का माल बेचा, 4,000 रुपए का चेक और 4,000 रुपए की स्वीकृति 2 माह की उससे प्राप्त की। सोहन ने इस विपत्र को बैंक के पास इसकी राशि देय तिथि पर वसूल करने के लिए भेज दिया। सोहन की बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। पहला, यदि देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो जाता है। दूसरा, यदि देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो जाता है और 40 रुपए आलोकन व्यय देने पड़ते हैं। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं, सोहन और मोहन। सोहन मोहन को 8,000 रुपए का माल बेचता है। हमको सबसे पहले तो यहाँ ये पता लगा लेना होता है कि इसमें विक्रेता कौन है, क्रेता कौन है। दूसरी बात, लेखक कौन है, स्वीकर्ता कौन है। और अगर इनरोजमेंट की कंडीशन आती है तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि इनरोजर कौन है, यानी कि बेचानकर्ता कौन है, और इनरोजी यानी कि बेचान पात्र कौन है। और उसके बाद ही हम इसकी जनरल एंट्री कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि सोहन ने मोहन को माल बेचा है, यानी कि सोहन जो है वो विक्रेता है और मोहन जो है वो क्रेता है। सोहन अगर विक्रेता है तो वो विपत्र को लिखेगा, यानी वो विपत्र का लेखक कहलाएगा। तो यहाँ पर विपत्र का लेखक कौन है, सोहन है। और मोहन जो है वो क्रेता है, यानी कि वो सोहन के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति देगा, यानी कि मोहन स्वीकर्ता कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पर, क्योंकि बेचान से संबंधित कोई प्रविष्टि तो नहीं करनी है, लेकिन यहाँ हमको लेखक और स्वीकर्ता की पुस्तक में अलग अलग प्रविष्टियां करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम सोहन यानी कि लेखक की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोहन ने मोहन को 8,000 रुपए का माल बेचा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माल बेचने की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ हो जाएगी, मोहन डेबिट टू सेल बिंग गुड सोल्ड टू मोहन। और यहाँ पर अमाउंट हम देख रहे हैं 8,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं कि 4,000 रुपए का चेक और 4,000 रुपए की स्वीकृति 2 माह की उससे प्राप्त की। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 8,000 रुपए का जो ट्रांजेक्शन था, 8,000 रुपए का जो माल बेचा गया था, उसमें 4,000 रुपए के का जो भुगतान है, नगद भुगतान, वो मोहन के द्वारा कर दिया गया, लेकिन बाकी जो 4,000 रुपए बचते हैं उसके लिए मोहन ने एक विपत्र पर स्वीकृति दी। सोहन ने उस विपत्र को लिखा और मोहन से उस विपत्र पे स्वीकृति को प्राप्त करके वापस लिया। तो इस कंडीशन में दो अलग अलग एंट्री बनती है। एक तो जब मोहन से वो कैश रिसीव करता है, कौन रिसीव करेगा, सोहन। तो यहाँ पर ये अपनी पुस्तक में जनरल एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, और 4,000 से इसकी एंट्री करेगा। दूसरी कंडीशन, जब बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 4,000, उसके लिए वो बिल जो है स्वीकृत होकर मोहन से प्राप्त करता है। तो इस कंडीशन में सिंपल अभी तक हम जो एंट्री करते आ रहे हैं वही एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर नया पॉइंट इस क्वेश्चन में आता है वो ये है कि एक, अब इसने क्या किया कि सोहन ने इस विपत्र को बैंक के पास इसकी राशि देय तिथि पर वसूल करने के लिए भेज दी, यानी बैंक में संग्रह हेतु भेजा गया जो विपत्र, जिसके बारे में हमने अभी वीडियो में देखा, उससे रिलेटेड जो एंट्री होगी वो अब हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में भी अलग अलग दो कंडीशन दे दी गई है। एक कंडीशन तो बोला गया है कि अगर देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो जाता है तो लेखक की बही में क्या एंट्री होगी, और अगर देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो जाता है तो लेखक के पुस्तक में क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन करते हैं कि अगर देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट, और यहाँ पर इसके जो अमाउंट है बिल के 4,000 उसकी हम एंट्री करेंगे। नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू बी। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, यहाँ बोला गया है कि यदि देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो जाता है और 40 रुपए आलोकन व्यय देने पड़ते हैं। अब ये सेकेंड कंडीशन आ गई कि देय तिथि पर विपत्र जो है अनादृत हो गया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमने जैसे कि देखा वीडियो में कि जब अगर विपत्र अनादृत हो जाता है तो इस कंडीशन में जो एंट्री होती है वो होती है स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट संग्रहार्थ बिल खाता से, यानी एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट।
एक्सेप्टर यहाँ पे क्योंकि मोहन है, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल बीइंग बिल डिसऑनर्ड अंडर कलेक्शन। तो यहाँ पर हमको क्योंकि लेखक यानी कि केवल सोहन की पुस्तक में एंट्री करनी थी, तो हम यहाँ मोहन यानी कि स्वीकर्ता की पुस्तक में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमको क्योंकि अनादरण व्यय भी दिया गया है, तो उसका हमको विशेष ध्यान रखना है। लास्ट एंट्री जब हम करेंगे मोहन डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल टू नोटिंग चार्जेस, तो यहाँ पर हम बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल में बिल के जो अमाउंट है 4000 उससे हम इसकी एंट्री करेंगे। नोटिंग चार्जेस में हम जो नोटिंग चार्जेस है 40 रुपीज उससे एंट्री करेंगे, और टोटल जो अमाउंट आती है 8040 उसकी एंट्री फिर हम मोहन के अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। रहीम ने 1 मार्च 2007 को करीम पर 500 रुपए का एक बिल 3 माह की अवधि के लिए लिखा। करीम ने इसे स्वीकार कर लौटा दिया। भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान नहीं हुआ और धारक को नोटिंग पर 10 रुपए खर्च करने पड़े। रहीम और करीम की बहियों में प्रविष्टियां कीजिए। यदि पहला, जब रहीम प्रतिज्ञा पत्र को भुगतान तिथि तक अपने पास रखता है। दूसरा, जब रहीम प्रतिज्ञा पत्र को अपने लेनदार आनंद को भुगतान स्वरूप बेच देता है यानी कि बेचान कर देता है। तीसरा, जब रहीम प्रतिज्ञा पत्र को 4% प्रतिवर्ष छूट यानी बट्टे पर बुना लेता है। और चौथा, जब रहीम इस पत्र को वसूली के लिए बैंक भेज देता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं रहीम और करीम। रहीम ने करीम को 500 रुपए की अवधि का एक बिल लिखा। इसका अर्थ यह है कि रहीम जो है वो लेखक है, और क्योंकि करीम पर बिल लिखा गया है यानी करीम जो है वो स्वीकर्ता है, तो यहाँ पर हम दोनों पक्षकारों की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां करेंगे। तो रहीम जो कि लेखक है उसकी पुस्तक में हम सबसे पहले पंजी प्रविष्टि करेंगे, जबकि वो करीम पर एक विपत्र लिखेगा। तो विपत्र लिखकर स्वीकृत होकर प्राप्त करने की जो प्रविष्टि होती है वो हमने देखा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। तो एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? करीम है। तो यहाँ हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू करीम। और इसके बाद भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान नहीं हुआ और धारक को नोटिंग पर 10 रुपए खर्च करना पड़ा। इस कंडीशन में हमको जनरल एंट्री करनी है, लेकिन इसके 4 अलग अलग कंडीशन हमको यहाँ पर बतानी है। कि एक कंडीशन, जब रहीम प्रतिज्ञा पत्र को भुगतान तिथि तक अपने पास रखता है, यानी हमने जो वीडियो में देखा था कि अगर लेखक जो है ड्रॉवर जो है वो विपत्र को भुगतान तिथि तक अपने पास रखता है और भुगतान प्राप्त करता है, इस कंडीशन में जब विपत्र अनादृत हो जाए तो एंट्री होती है एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पर एक्सेप्टर कौन है अभी? करीम है। तो यहाँ हमारी फर्स्ट कंडीशन में जनरल एंट्री हो जाएगी करीम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और अमाउंट हम 500 से ही इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं, जब रहीम प्रतिज्ञा पत्र को अपने लेनदार आनंद को बेचान कर देता है, भुगतान के एवज में उसको बेचान करता है। तो बेचान से रिलेटेड एंट्री हमने देखी थी कि तब अनादरण हो जाना जबकि उस विपत्र का बेचान कर दिया गया हो। तो इस कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री हो जाती है एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू इंड्रोजीज पर्सनल अकाउंट। तो एक्सेप्टर यहाँ पर करीम है और इंड्रोजी यहाँ पर आनंद है। तो यहाँ प्रॉपर हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी करीम डेबिट टू आनंद अकाउंट, और अमाउंट हम सेम वही रखेंगे क्योंकि 500 का जो बिल है वही अनादृत हो रहा है, उसी का भुगतान करना है, उसी का बेचान हुआ है, तो 500 से ही हम इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड कंडीशन में, जबकि रहीम प्रतिज्ञा पत्र को 4% प्रतिवर्ष की दर से बट्टे पर भुना लेता है, ऐसी कंडीशन में क्योंकि वो बिल अनादरित हो रहा है, यहाँ पर हमको भुगतान बुनाने की एंट्री नहीं करनी है, हमको यहाँ पर अनादरण की एंट्री करनी है, और हमको कंडीशन देखना है कि वो किस बिल का अनादरण हो रहा है। क्या वो लेखक के पास था, या फिर बेचान कर दिया गया था, या फिर भुना लिया गया था, तो किस कंडीशन में वो बिल था इस पर डिपेंड करता है कि अनादरण की क्या एंट्री होगी। तो थर्ड कंडीशन, अगर वो बिल भुना लिया जाता है बैंक से,
तो ऐसे कंडीशन में उसके बाद जब उसका अनादरण हो जाता है, तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा, इस कंडीशन में एंट्री हो जाती है यहाँ पर एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? हमारा करीम है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी करीम डेबिट टू बैंक अकाउंट और 500 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर रहीम इस विपत्र को वसूली के लिए बैंक भेज देता है, कलेक्शन करने के लिए बैंक भेज देता है, तो हमने जैसे कि वीडियो में देखा कि अगर ऐसे विपत्र का अनादरण हो जाए जो कि कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया गया और ऐसे कंडीशन में फिर उसका अनादरण हो जाए, तो हमने देखा था कि जनरल एंट्री होती है एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे? करीम। तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे करीम डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसी प्रकार स्वीकर्ता यानी कि करीम की पुस्तकों में हम सबसे पहले पंजी प्रविष्टि करेंगे, जबकि वो करीम जो है वो विपत्र पर स्वीकृति प्रदान करता है। इस कंडीशन में हम फर्स्ट एंट्री करेंगे रहीम डेबिट टू बिल्स पेबल। अब रहीम क्योंकि ड्रॉवर है, लेखक है विपत्र का, और जब कोई स्वीकर्ता विपत्र पर स्वीकृति देता है तो वो एंट्री करता है ड्रॉवर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और रहीम यहाँ पे ड्रॉवर है इसलिए हम यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे रहीम डेबिट टू बिल्स पेबल। अब क्योंकि हमको बहुत सारी कंडीशंस को फॉलो करते हुए जनरल एंट्री करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर अब स्वीकर्ता के बुक्स में लाइन से एंट्री करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है कि बिल का भुगतान नहीं हो पाया और उसके बाद जो है वो बिल अनादरित हो गया। अब कौन सा बिल अनादरित हुआ है उसकी अलग अलग कंडीशंस होंगी। यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन अगर देखें, जब रहीम प्रतिज्ञा पत्र को भुगतान तिथि तक अपने पास रखता है, यानी कि अगर जो विपत्र है वो लेखक के पास ही है और अनादरित हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम स्वीकर्ता की बुक में एंट्री करते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अगर नोटिंग चार्जेस है तो हम नोटिंग चार्जेस अकाउंट को भी डेबिट करते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्स पेबल के साथ साथ नोटिंग चार्जेस भी हैं 10 रुपए, तो यहाँ हमारी एक प्रॉपर जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, क्योंकि यहाँ हम जनरल एंट्री करते हैं बिल्स पेबल डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट टू ड्रॉवर अकाउंट, तो यहाँ हम ड्रॉवर की जगह रहीम लिखेंगे। और यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट में 500, नोटिंग चार्जेस के डेबिट में 10 रुपीज और टोटल रहीम के अकाउंट के क्रेडिट साइड में 510। सेकेंड कंडीशन में जबकि रहीम प्रतिज्ञा पत्र को अपने लेनदार आनंद को भुगतान स्वरूप बेच देता है, यानी कि बेचान कर देता है, तो बेचान के कंडीशन में या फिर जो हम नेक्स्ट कंडीशन सी देख रहे हैं भुना लेने की स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में स्वीकर्ता के यहाँ वही एंट्री होती है जो कि हमने फर्स्ट कंडीशन में की थी, यानी कि विपत्र अगर लेखक के पास है तो उस कंडीशन में जो एंट्री होती है वही एंट्री स्वीकर्ता के यहाँ होगी। तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री भी हमारी होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, और थर्ड एंट्री भी हमारी वही होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। फोर्थ कंडीशन यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब रहीम पत्र को वसूली के लिए बैंक भेज दे, यानी संग्रहार्थ वसूली हेतु भेजा गया ये जो पत्र है, इस कंडीशन में अगर स्वीकर्ता के यहाँ हमको एंट्री करनी होती है, तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रहीम, क्योंकि प्रॉपर जब हम एंट्री करते हैं उस कंडीशन में जबकि एक विपत्र जो है वो वसूली के लिए बैंक भेज दिया जाता है, और ऐसी कंडीशन में जब ड्रॉवी यानी कि स्वीकर्ता क्या एंट्री करनी होती है, तो जनरल एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि ड्रॉवर यहाँ पर हमारा रहीम है, तो हमारी एक प्रॉपर जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट।